का एनबीसी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती दास। नजर डालते इस वक्त की क्राइम रिपोर्ट पर। मरकर भी न्याय नहीं, जिंदा रहे सुरक्षा नहीं। बेटी पढ़ेगी भी, बढ़ेगी भी, लेकिन प्रशासन ये तो बताओ क्या बेटी बचेगी भी। पत्रकार कमलेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अपराध हो या भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा हो या न्याय व्यवस्था हो, हर मंजर पर सरकार फैल रही है, फिर चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। कारण ये नहीं है कि सरकार इन पर अंकुश नहीं लगा रही या फिर इन पर रोकथाम के प्रयास नहीं कर रही। कारण ये है कि सिस्टम में बैठे कुछ अधिकारी अपनी जरूरतों के हिसाब से न्याय प्रणाली को बदल देते हैं और महकमे के ऐसे अधिकारियों की वजह से ही अपराधी को अपराध करने का बढ़ावा मिलता है, तो दूसरी ओर आम जन न्याय के लिए जूझता रहता है फिर भी न्याय से वंचित दिखाई देता है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के कालाडेड़ा सुनीता हत्याकांड को लेकर पिछले कई महीनों से सुर्खियों में रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत बिहारीपुरा ससुराल में सुनीता को आए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन उसी ससुराल ने सुनीता की जीवन लीला समाप्त कर दी। जिस सुनीता के पिहर पक्ष उसके परीक्षा परिणाम आने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि परीक्षा परिणाम से पहले सुनीता की मौत की खबर आएगी। मामले को लेकर जहां सुनीता के ससुराल वाले अपने आप को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पीहर पक्ष अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रहा था। आखिर ससुराल पक्ष पर एकाएक खाकी का हाथ कुछ इस तरह रहा कि खाकी ने मामले में सिर्फ सुनीता को जेठानी को ही आरोपी करार कर मामले पर पर्दा डाल रही थी कि पीहर पक्ष की तरफ से विरोधाभास शुरू हुआ। जगह जगह हजारों की तादाद में लोगों ने सुनीता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालना शुरू कर दिया, तो वहीं पुलिस की गिरफ्त में रहते हुए सुनीता की जेठानी के बयानों का वीडियो वायरल हुआ। बात की तो चाहे आप कुछ भी करो, घसीटना लाना वो तो कोई बात नहीं। अजी मांग भी लाग जा, काजल लाग जा, टिक्किया लाग जा, या नाखून को खून लगे, जैसे तेरा हाथ का खून लगा तो उसके हाथ के खून भी लग सकता है। नहीं सुनो मेरी बात, अगर नहीं नहीं सुनो, अगर उसके खून के यूं नाखून लगा है तो वो नाखून उसके तो जाएगा। मांग तो लाग जी, तकिए गए यार, ये तो बताओ तेरे हाथ से चल जाए बात। लेकिन अब बात ने फर्स्ट में बता देती थी ना, आज वो है मांग तो मैं मांग, ये काम मारो काम हो इस बात यही है। और तने एक ही बात पूछी कि वे कौन कौन है वहाँ सामने, क्या की प्लान है, यही तो बात पूछी तने है। तो अरे नहीं, जो जो नहीं बताने वाली थी वो तो बताती, जो बताने वाली थी वो बताई नहीं, जो नहीं जो बात थी वो बात तो ओरिजिन तो एक साथ बात आ जाती थी। इसने पैर पैर पकड़े गए, इसने पैर ही पकड़े, मतलब हिंद नहीं दी हो, हिंद बंदी की मतलब आलड़ बंदी उसमें होने आपको कार बैठी उसके पेट पर। हाँ हाँ
उसके हाथ नहीं पकड़ सकते। फिर तक क्या, फिर तक क्या से हाथ दबाया, गड़े से दबाया, नहीं अपने हाथ से गड़ा दबाया, तक हाथ से बात की तो चाहे आप कुछ भी करो, घसीटना लाना हो तो कोई बात नहीं। अजी मांग भी लाग जा, काजल लाग जा, टिक्किया लाग जा, या नाखून को खून लगा, जैसे तेरे हाथ का खून लगा तो उसके हाथ के खून भी लग सकता है। नहीं सुनो मेरी बात, अगर नहीं नहीं सुनो, अगर उसके खून के यूं नाखून लगा है तो वो नाखून उसके तो जाएगा। मांग तो लाग जी तकिए गए यार, ये तो बताओ तेरे हाथ आने को चल गया बात। वीडियो ने पूरे सिस्टम में खलबली मचा डाली, जिसे देख पुलिस महकमे के आला अधिकारियों ने मामले की पुनः जांच के लिए सीआईडी सीबी में फाइल भेज पीहर पक्ष को न्याय दिलाने की सांत्वना दी। कई महीनों बाद आखिर सीआईडी सीबी की जांच सामने आई, जिसमें सुनीता के जेठ गोवर्धन ताखर, लाला राम और सुनीता का पति हत्या में शामिल पाया, जिसके बाद सुनीता के पीहर पक्ष में एक साहसी हिम्मत आई कि हमने बेटी को आखिर इंसाफ दिलाने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि सीआईडी सीबी जांच आने के बाद भी कालाडेरा पुलिस मामले को लेकर गंभीर नहीं है, जिसे देख सुनीता के पीहर पक्ष ने थाने के बाहर सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। वहीं अब देखना यह है कि सुनीता हत्याकांड में सुनीता को कब तक पुलिस न्याय दे पाएगी या फिर आरोपियों पर ही मेहरबानी दिखाएगी। मैं बाबूलाल चुड़ाव का सरपंच जेठपुरा, सुनीता का चाचा। सुनीता हत्याकांड में तीन नामजद आरोपी सीआईडी सीबी से जांच होके आज 1 तारीख से आज फाइल अल्डरा थाने में पहुंच गई थी। उसके बावजूद भी आज 15 दिन कालडरा थाने ने निकाल दिए, तालम डोल करके उनको गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने का कारण प्रशासन संदेह के घेरे में है। तो हम आज 40-50 ग्रामीण जन और सब जाके थाने में गए, एचओसी से बात हुई। फिलहाल क्राइम रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार, सब्सक्राइब करें, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।